नमस्कार, मैं परी चतुर्वेदी, स्वागत है आप सभी का न्यूज लाइव mpcg.com में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर। एमपी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। शहडोल से पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हिमाद्री सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जैसा कि न्यूज लाइव ने पहले ही संभावना जताई थी कि शहडोल की कांग्रेस नेत्री हिमाद्री सिंह बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, और बुधवार को यह बात सच भी साबित हुई। हिमाद्री सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हिमाद्री सिंह ने 2017 में बीजेपी नेता नरेंद्र मरावी से शादी की थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि हिमाद्री सिंह बीजेपी में आ सकती हैं। हिमाद्री के पिता और मां दोनों ही कांग्रेस के सदस्य हैं और हिमाद्री की मां राजेश नंदिनी सिंह 2009 में शहडोल से सांसद भी रह चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हिमाद्री सिंह ने कांग्रेस की ओर से शहडोल से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के ज्ञान सिंह से हार गई थी। अब माना जा रहा है कि हिमाद्री सिंह शहडोल से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। मुझे लगता है कि चूंकि मेरा पूरा परिवार, मेरे पति, मेरे जो चाचा ससुर हैं, वो इस पार्टी में हैं। अब चूंकि मैं पहले जब मैं चुनाव लड़ी, मेरे माता पिता जरूर कांग्रेस से वो सांसद रहे, दोनों रहे, और मैं भी जब बाई इलेक्शन हुआ 2016 में तो मैं भी कांग्रेस से मैंने चुनाव लड़ा था। अब चूंकि मेरी शादी हो गई है, मैं एक घर से दूसरे घर चली गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अपने परिवार के साथ। तो ये कोई परिवार का दबाव तो नहीं ससुराल? नहीं नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से, तो कांग्रेस पार्टी भी अच्छी थी, उसमें क्या बुरा? मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ और आज मुझे लगता है कि देश को मोदी जी जैसे सशक्त नेता की और एक प्रधानमंत्री की जरूरत। एमपी की भोपाल लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के नेताओं में घमासान मचता नजर आ रहा है। स्थानीय प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल गौर से मिलने पहुंचे। एमपी की भोपाल सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के ही नेताओं के बीच उम्मीदवारी को लेकर घमासान होने लगा है। यहां से बीजेपी के नेता बीडी शर्मा की उम्मीदवारी का विरोध जताने के लिए महापौर आलोक शर्मा, सांसद आलोक संजर, पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता सहित कई नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से मिलने पहुंचे। गौर की बहू और गोविंदपुरा सीट से विधायक कृष्णा गौर भी इनके साथ थी। इन लोगों ने अकेले में बाबूलाल गौर के साथ मशविरा किया। सभी नेताओं ने एक सुर में भोपाल सीट से लोकल कैंडिडेट को लड़ाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि फिलहाल भोपाल सीट से आलोक संजर विधायक हैं, लेकिन यहां से आलोक शर्मा भी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं बाबूलाल गौर खुद दावेदार हैं। उमाशंकर गुप्ता भी लोकसभा की दावेदारी कर चुके हैं। ऐसे में बीडी शर्मा का नाम भी पैनल में आने पर सभी एकजुट होकर विरोध के स्वर बुलंद करने में लग गए हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भी भोपाल जिले की सीटों पर बीडी शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर काफी बवाल मचा था और गोविंदपुरा सीट पर इसी कारण देर से उम्मीदवार घोषित हुआ था। अब लोकसभा सीट को लेकर भी यही स्थिति बनती नजर आ रही है। गौर ने तो बीडी शर्मा को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लोकल कैंडिडेट किया जाएगा, हम नहीं जानते। और छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सभी 10 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। दिल्ली में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति से निकली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने सभी 10 सांसदों की टिकट काट दी है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुताबिक पार्टी किसी भी सिटिंग एमपी को टिकट नहीं देगी। राज्य की 11 सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार का ठीकरा भी सांसदों के सिर ही फोड़ा जा रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि अधिकांश सांसदों के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही असंतोष है और इसकी जानकारी हाई कमान तक पहुंचा दी गई है। फिलहाल सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार को लेकर एक राय नहीं बन पाई है और हो सकता है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अंतिम फैसला ले लिया जाए। ये भी जानकारी मिली है कि केंद्रीय सर्वे और प्रदेश संगठन की ओर से भेजे गए नामों में अंतर होने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नए सिरे से नाम लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन से भाजपा सांसद हैं जिनके टिकट कट सकते हैं।
हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सांसद की बयानबाजी से नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका और नारेबाजी की। हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में नामजद आरोपियों को निर्दोष बताने के बयान को लेकर सांसद के खिलाफ नाराजगी है। दरअसल सांसद प्रहलाद पटेल ने एक बयान में दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के बेटे को निर्दोष बताया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हटा में दमोह सांसद प्रहलाद पटेल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और हटा बस स्टैंड पर पटेल का पुतला जलाया। कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन SDM हटा को सौंपा है। कांग्रेसियों का आरोप है कि दमोह सांसद ने बगैर किसी जाँच के अपने राजनैतिक स्वार्थों के कारण जिला पंचायत अध्यक्ष को आरोपी पुत्र इंद्रपाल पटेल को निर्दोष बता दिया। गौरतलब है कि कुर्मी समाज ने एक ज्ञापन दमोह सांसद को दिया था, जिसके बाद दमोह सांसद ने यह बयान दिया था। पटेल जी न्यायपालिका बन रहे हैं, ये केस आज पुलिस द्वारा जो है उसमें जो भी आज जांच हो उसके बाद न्यायपालिका का काम बनता है। प्रहलाद पटेल जी आज संपूर्ण क्षेत्र के सांसद है, जो ये दिनदहाड़े हत्याकांड हुआ है। प्रहलाद पटेल को पीड़ित पक्ष के आंसू पोंछना थे, उसकी अपेक्षा प्रहलाद पटेल अपराधियों के साथ साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं कहीं ना कहीं प्रशासन पे वह एक दबाव का माहौल बना रहे हैं, जिससे कि जो अपराधी हैं वो बच निकले। प्रहलाद पटेल जी ने जो जिले में सबसे निर्मम हत्या देवेंद्र चौरसिया जी की गई, उस पर जो राजनीतिक रोटियां सेंकना चाही हैं, वो मृतक के परिजन हम लोग उनको राजनीतिक रोटियाँ नहीं सेंकने देंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल का बेटा इंद्रपाल पटेल, जिसमें चश्मदीद गवाहों ने हत्या के समय उसको वहां मारपीट करते हुए देखा, पुलिस ने जो सूक्ष्मता से जांच करी उसमें इंद्रपाल पटेल की संलिप्तता पाई जा रही है। साथ ही जो जो आरोपी पुलिस बना रही है उसमें जो लोग आरोप में घटना करने में सम्मिलित थे उन्हीं को बनाया जा रहा है। और माननीय प्रहलाद पटेल जी जो मृतक के घर बैठने तक नहीं आए, उनके सुख दुख का हाल भी नहीं पूछा इतनी बड़ी घटना में, क्योंकि सांसद सबका होता है। जो सांसद के पद पर बैठे हैं करेंगे तो आम आवाम का क्या होगा। एक तरफ पथरिया की विधायक रामबाई पटेल, जिनके पति देवर भतीजे भांजे सारे लोग इस हत्याकांड में संलिप्त हैं। वहीं कल दमोह स्थित आवास पर सांसद प्रहलाद पटेल ने कुर्मी छत्तीस समाज के ज्ञापन की मांगों को उचित बताते हुए कहा था कि जांच का आधार तथ्य होना चाहिए, यह राजनीतिक द्वेष के चलते हुआ है जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मुझे जिला कुर्मी समाज का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मैं इस ज्ञापन के जितने भी बिंदु हैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ और मैं मानता हूँ कि जांच का आधार तथ्य होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक उद्देश्य के कारण जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, मेरा हमेशा मत रहा है। मैं मानता हूँ कि वो हत्या दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन यदि किसी झूठे नौजवान को उसकी ज़िंदगी खत्म करने की कोशिश मुकदमे में फंसा कर हो तो ये अपराध उससे बड़ा है, ऐसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ। हालांकि पूरा मामला अभी पुलिस की जांच में है और पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित कर दिया है, लेकिन कुर्मी समाज के वोट बैंक की खातिर बयानबाजी करने के बाद दमोह सांसद पटेल अब कांग्रेसियों का निशाना बन गए हैं। मंगलवार को हरदा के रेलवे स्टेशन की ट्रैक की मरम्मत करने आई वेल्डिंग वैन ट्रैक से नीचे उतर गई, इसकी वजह से रेल यातायात आधे घंटे तक प्रभावित रहा। हरदा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात रेल की पटरियों की मरम्मत करने आई वेल्डिंग वैन पटरियों से नीचे उतर गई, जिसकी सूचना मिलने पर रेलवे विभाग की टीम ने सुधार कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान डाउन ट्रैक पर रेल यातायात आधे घंटे तक प्रभावित रहा। वैन को पटरियों पर लाने के बाद रात 10 बजे रेल यातायात शुरू किया गया, साथ ही सबके दौरान यात्री परेशान नजर आए। ये ट्रैक वेल्डिंग मशीन की सेंटिंग कार्य चल रहा था और लगभग 6:45 उसका अवपथन हो गया, मतलब ट्रैक से उतर गई थी। सर कितनी गाड़ियाँ इससे बाधित रही हैं अभी? नहीं, बाधित गाड़ियों की सूचना तो अभी पीछे से मिली नहीं है। अलग अलग इस टाइम गाड़ियों का फ्लो अच्छा रहता है, तो पुष्पक भी उसमें पिट रही होगी, काशी है, ताप्ती है, भागलपुर है। कौन सा ट्रैक अभी रुका हुआ? डाउन ट्रैक हमारा बंद है। कोरबा में होली को मद्देनजर रखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्य रूप से होली पर्व को लेकर बिना किसी हानि और शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए। कोरबा में होली को मद्देनजर रखते हुए उगरा के नए थाना प्रभारी हरीश टांडेकर ने शांति समिति की बैठक बुलाई।
इस बैठक में मुख्य रूप से होली पर्व को बिना किसी हानि और शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए। वहीं तांडेकर ने विवादित गांव के चौक पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी करने के भी निर्देश दिए, जिसके बाद पंचायतों के सहयोग से सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुल 8 स्थानों पर 33 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। वहीं थाना प्रभारी तांडेकर का कहना है कि इसी तरह के सीसीटीवी कैमरे यदि सभी चौक चौराहों पर स्थापित किए जाएं तो चोरी और अन्य आपराधिक घटनाएं स्वतः ही कम हो जाएंगी और इसकी मदद से अपराधियों को सजा दिलवाना भी आसान हो जाएगा। मिशन सिक्योर सिटी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अनुसार थाना क्षेत्र उल्ला के गांव में 9 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे होली के मद्देनजर अपराधियों और हड़दंगियों पर निगाह रखी जाएगी। उसी प्रकार आपराधिक तत्व हैं, चोर असामाजिक तत्व हैं, उन पर निगाह दुर्घटनाओं के समय उसमें से हटा। कोरबा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से 52,000 रुपए की नकदी, 3 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त कर लिया गया है। कोरबा जिले के उर्गा में मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत वीर तराई में जुआ खेला जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जुआरियों के पास से पुलिस ने ताश के पत्ते, 52,000 रुपए की नकदी, 3 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त कर लिया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। देवास पुलिस ने मंगलवार को 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,00,000 से अधिक कीमत के 17 मोबाइल जब्त किए गए हैं। देवास में चोरी के मोबाइल पकड़े जाने का मामला सामने आया है। मंगलवार को देवास पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के पास से 17 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 2,00,000 से अधिक बताई जा रही है। एसपी चंद्रशेखर सोलंकी ने बताया कि 5 आरोपियों में से 3 मोबाइल चोर हैं और 2 चोरी के मोबाइल खरीदने वाले दुकान संचालक हैं। फिलहाल 5 आरोपियों के ऊपर थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वारासिवनी में लोकसभा चुनाव और होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए सोमवार को पुलिस थाना वारासिवनी में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी कमल निगवाल ने निर्देश दिए। वारासिवनी में लोकसभा चुनाव और होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए सोमवार को पुलिस थाना वारासिवनी में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान होली पर्व पर रात 10 बजे तक होलिका दहन किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लगाई गई आचार संहिता के चलते और बोर्ड परीक्षाओं के कारण डीजे साउंड को रात 10 बजे तक बजाने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में स्थानीय नागरिकों ने होली के दिन सड़कों पर तेज गति से बाइक दौड़ाकर हुड़दंग मचाने वाले युवकों पर अंकुश लगाने की मांग रखी। आगामी होली का त्यौहार और चुनाव को देखते हुए ग्राम के सभ्य नागरिकों की शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं नागरिकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें होली मनाने में किस तरह की सावधानी हमें बरतना चाहिए उनके सुझाव भी लिए गए हैं और कुछ पॉइंट उनके द्वारा बताए गए, उन पर हम लोग काम भी करेंगे। होलिका दहन से एक दिन पहले छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में हराम खाऊ टाइम सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। होलिका दहन के एक दिन पहले मुख्यमंत्री के गृहनगर छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में हर साल की तरह इस साल भी हराम खाऊ टाइम सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का यह 31वां वर्ष है। कार्यक्रम का शुभारंभ होलिका माता की जय के साथ हुआ। इसके साथ हास्य सम्राट जय, हिमांशु और राकेश ने लोगों को जमकर हंसाया। इस दौरान शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी दी गई। हालांकि आचार संहिता के चलते हर साल देर रात तक चलने वाला कार्यक्रम इस साल 10 बजे ही रोक दिया गया। इस दौरान शहीदों के परिवारों को आर्थिक मदद के लिए 25,000 रुपए की राशि भी एकत्र की गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी सहित अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। बड़ा हो गया, इसको इलेक्ट्रिक सिटी बोलना नहीं आता, इलेक्ट्रिक टीटी बोल रहा है। लड़के का बाप बोला, मास्टर जी बेचारा छोटा है, उसकी कैपेसिटी कितनी। अब बेटे दोनों ने मिलके मास्टर जी के पसीने छुड़वाए। मैं केवल और केवल 4 पंक्तियां, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग खामोश लोग, अगर खामोशी से सुनेंगे तो निश्चित तौर पे वे शहीद हुए हैं, उन शहीदों का बदला आप लो। और ये जो कार्यक्रम हुआ, ये शहीदों के नाम इस कार्यक्रम को बनाया गया है। मैं पूरी हराम खाऊ टाइम्स की जो टीम है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 30 साल सतत इस कार्यक्रम को निरंतर चलाना और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करना, उन सबको बहुत बहुत बधाई। देश प्रदेश और जिला वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवास पुलिस ने होली से पहले
होली को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इस मार्च का उद्देश्य होली में शांति बनाए रखने का संदेश देना था। होली का पर्व शांति से मने, इस बात को लेकर देवास पुलिस ने होली से पहले फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च कोतवाली से शुरू हुआ और देवास के विभिन्न मार्गों से होता हुआ देवास के नाहर दरवाजा थाने पर पहुंचा। फ्लैग मार्च में पुलिस के सभी अधिकारी सम्मिलित हुए और SP चंद्रशेखर सोलंकी ने सभी पुलिस वालों को दिशा निर्देश दिए। होली का पर्व शांति से मने, यह पुलिस की जिम्मेदारी है और इसी को लेकर देवास के मुख्य मार्ग से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मुख्यमंत्री के गृहनगर छिंदवाड़ा में 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। बच्ची को घर में अकेला पाकर आरोपी ने यह हरकत की है। केंद्र और राज्य सरकार भले ही बच्चियों के साथ होने वाले अपराध और उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े नियम कानून बना रही है, लेकिन इन कानूनों के बाद भी अपराधी वारदात को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। इसका उदाहरण मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृहनगर छिंदवाड़ा में भी देखने को मिला। यहाँ कुंडीपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने घर में अकेली 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और वहां से चला गया। पीड़िता ने अपनी मां के घर वापस आने पर जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल आरोपी के खिलाफ कुंडीपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। एक बच्ची रेलवे स्टेशन के पास रहती है, उसके परिजन आए थे थाने पर। उनके द्वारा ये बताया गया कि उसकी बच्ची के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने बलात्कार का प्रयास किया है। इस सूचना पर तत्काल थाना कुंडीपुरा पर 376 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस ने 2-3 संदिग्धों को अपने हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। नशा चाहे किसी भी किस्म का हो, वो नुकसानदायक ही होता है। हालांकि आम तौर पर शराब, भांग जैसी चीजों के नशे को घरेलू उपायों से उतारा या कम किया जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं नशा उतारने के ऐसे ही 10 घरेलू उपाय। हैंगओवर होने पर टमाटर के जूस या सूप में नींबू का रस निचोड़कर पिलाने से फायदा होता है। ब्लैक हॉट कॉफी पिलाने से भी शराब का तेज नशा उतारने में मदद मिलती है। शराब का नशा होने पर उल्टी कराकर नारियल पानी या नींबू पानी पिलाएं, इससे नशा भी उतरेगा और पानी की कमी भी दूर होगी। भांग का नशा उतारने के लिए इमली का पानी, नींबू पानी, आचार या खट्टी चीजें खिलाएं, नशा जल्दी उतरेगा। नशा उतारने के लिए पानी में नमक और शक्कर घोलकर बार बार पिलाएं, नशा भी उतरेगा और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। भांग का नशा उतारने के लिए नमक डालकर छाछ पिलाएं या बगैर शक्कर का नींबू का रस पिलाएं। शराब का नशा उतारने के लिए केले का शेक बनाकर पीने से फायदा होता है, बॉडी में पोटेशियम की कमी नहीं होती है। भांग का नशा उतारने के लिए भुने हुए चने खिलाएं, साथ ही नींबू का अचार खिलाने से फायदा होता है। भांग का तेज नशा होने पर सरसों का तेल हल्का गुनगुना कर 2-2 बूंद कानों में डालें। त्रिफला पाउडर पानी के साथ लेने से 4-5 लौंग और छोटी इलायची पीसकर खाने से या फिर 1 गिलास पानी में पुदीन हरा डालकर पीने से नशा उतारने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि ये साधारण नशा उतारने के घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन अगर इससे मदद ना मिले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि होली का भविष्य बताती है? जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि पुराने समय में होलिका दहन से कैसे भविष्य का अनुमान लगाया जाता था और आप भी इसे आजमा सकते हैं। होली के त्योहार के एक दिन पहले किया जाने वाला होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जानकारों का कहना है कि होलिका आने वाले समय की भविष्यवाणी भी करती है। होलिका की अग्नि को अगर गौर से देखा जाए तो अगला एक साल देश और समाज के लिए कैसा रहेगा, आप यह खुद जान सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात पर नजर रखने की है कि होलिका की आग और धुआं किस दिशा में जा रहा है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि होलिका की आग और धुआं किस दिशा में जाने से क्या भविष्यफल हो सकता है। अगर होलिका दहन के समय धुआं सीधा आकाश की ओर जाने लगे तो यह बदलाव का सूचक है। यह संकेत है कि जिस व्यक्ति और शासक का वर्चस्व समाज और राजनीति में है, उसकी सत्ता जाने वाली है, नई सत्ता और नई सरकार आने वाली है। होलिका दहन के समय हवा उत्तर की ओर चलने लगे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, इसे धन की दिशा भी कहा गया है। माना जाता है कि इससे पूरे साल आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, धन और सुख बढ़ेगा। अगर होलिका दहन के समय दक्षिण दिशा की हवा चले तो यह अपशगुन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे फसलों का नुकसान होगा, महंगाई बढ़ती है और राज्य की सत्ता भंग होती है, जन विद्रोह होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि होलिका दहन के समय हवा अगर पूर्व दिशा में चले यानी पुरवाई चले तो यह बड़ा ही अच्छा शगुन होता है। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा कहा गया है। माना जाता है कि इससे साल खुशहाली भरा रहेगा, राजा प्रजा सभी के लिए साल सुखद होगा। पश्चिम दिशा से होलिका दहन के समय हवा चलने लगे तो यह भी अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इससे कृषि हानि होती है, बेकार खरपतवार की वृद्धि का योग माना जाता है। यह भविष्य संकेत आलायिक निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।